मैंने भांग पी ली थी, मैं 2 दिन उठा ही नहीं था, पूरे 2 दिन बाद उठा उसके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है शिवरात्रि, और शिवरात्रि पर कृतिका ने रखा है व्रत। रखा है सुबह से या ऐसे ही रखा है? तुसी भी रखा? और अन्ने तूने रखा है व्रत? पुत्र तो गाइस इसका व्रत है, मैंने तो नहीं रखा यार। आज मैं तो कुकिंग करके आया हूँ जिम में। ये देखो, ये मैंने बनाई है खुद। वो आज जो लड़का आता है ना हमारी जिम में, जो शेफ है, तो उसको बुखार है, फिर आप वहाँ कुकिंग कर रहे थे यार। और लोगों को बना के दिया मैंने, सबने कहा अच्छा भी बना है भाई। मैं किसी चीज में पीछे थोड़ी रहता हूँ। आप ही रह जाओ ना फिर वहाँ शेफ को। तो ट्रेनिंग कौन देगा? थोड़ी देर चम्मच लेके। मम्मी कह रही है कि मेरे लड़के में अकड़ आ गई, अकड़ एटीट्यूड। देख ले, देख लिया अकड़। बैठ बैठ तो नहीं पिया, देख गुस्सा इतना, भगवान गुस्सा इतना ज्यादा करता है ना। आज वो इसका खिलौना होगा, देखिए पहले बजा रहा फिर मुंह में डाला, फिर इसे चबाने का, ऐसे जोर से फेंका इसने कि चिए नहीं, फिर तो लिया ही नहीं इसने। और गुस्सा, ओ पुत्र गुस्से वाला बन रहा है क्या? मैं जरा ये पनीर सैलेड टेस्ट करके देखूं कैसी बनाई है मैंने। बैठ जाना। तो गाइस सैलेड तो मैंने खा ली, पर मुझे लग रही है और भी भूख, तो मैंने रोटी भी मंगवाई ली अपनी, मतलब चावल। ये दाल चावल, हाँ जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, मैं नहीं बताऊंगा कि ये दाल चावल है ना। और ये हरी चटनी। तो अभी मैंने इसको डांट लगाई है कृषु को, कुछ ज़्यादा ही हो रहा था इसका, तो चुपचाप होके बैठ गया। अब तो कैमरे की तरफ देख भी नहीं रहा। आप देखो ये जरा, पुत्र देखा नहीं देखेगा अब। जब डांट पड़ जाती है फिर सीधा हो जाता है। मम्मी है मैनू फोन करके पता की कह रही थी, गंदी आंदे हुए भांग के पकौड़े ले आना, भांग के पकौड़े खाऊंगी। कितने झूठ कह रहे हैं मम्मी। भांग के पकौड़े मंगाए हैं, मम्मी ले आया मैं, जब ले आया भांग के पकौड़े सारे खावांगे। कितने बैग च चले? टिकियां खावांगे भांग दी। भांग पी के सेटिंग बढ़िया है आज सबकी। लाए हूं पकौड़े भांग के, खाएगी पकौड़े? काए पूछ रही मम्मी तुसी खाओगे? तेनु संभाल नहीं पाएगी, पकौड़े खा लेता ये देख नहीं। मुंडा हिल जाएगा। मुंडा हिल जाएगा। तो तुसी ते खा लोगे, तुसी ते मुंडे नु नहीं संभालना। चलो भाई पकौड़े निकाल लो, मम्मी को ही खिलाऊंगा पहले। मैं नहीं खाने। है जेडी तुसी सलाद खा रहे हो एंदे च भांग मिल ली हुई सी। अब थोड़ी देर में मम्मी झूला झूलेगी। मैं ते खा ली है, उन तुसी भी खा लो। कुछ लग रहा है नशा जा झूम रहे हो? मन तो कुछ नहीं हो रहा है। मम्मी और भी चाव से खा रही है। तो गाइस मम्मी सच में मान गई, जैसे इसमें भांग थी, कुछ भी नहीं है अंदर। मुझे तो और कुछ नहीं लग रहा, मैं इनके साथ प्रैंक कर रहा हूँ। ये चटनी कहीं भांग तो नहीं है तुम मेरे साथ कर रहे हो? कहीं मेरे को उतरती नहीं है। 2-2 दिन एक बार पी ली थी ना मम्मी घर, एक बार मैंने शिवरात्रि पे गाइस भांग पी ली थी, स्कूल के दोस्तों ने पिला दी थी। कब कर रहा था उस दिन जब बाहर गए थे खाने के लिए? मैं कदम कहती है मम्मी ऐ झूठ सियाणी मान रही है। उस दिन करने रहे थे मम्मी, एक दिन उल्टियां करने रहे थे जब इतनी बार की इन्होंने उल्टियां, जब इसकी तबीयत खराब थी अभी अभी कुछ टाइम था। हाँ तबीयत तो, और क्या मैं शराब पी के आया था? तबीयत खराब थी। तबीयत खराब थी या कुछ और? क्या कुछ और क्या? ज्यादा ठूस लिया होगा, खा लिया होगा, पी लिया होगा उसका। नहीं नहीं अभी क्या सियाणी बन रही थी कैमरे के पीछे अब बता ना। नहीं चिकन खा के आया था, वो खराब हो गया था। हाँ चिकन ज्यादा खा लिया था, ज्यादा खा लिया था मैंने उस दिन। तो मैंने भांग पी ली थी, मैं 2 दिन उठा ही नहीं था, पूरे 2 दिन बाद उठा, उसके बाद स्कूल गया। मैं स्कूल पढ़ता होता था उस टाइम, बातों के चक्कर में मैं खाना भूल गया हूँ।
खाना खा लूँ पहले। तो गाइस अपना खाना पीना हो गया है डन, और ये हमारे घर पे आया किसी का शादी का कार्ड। तो इसमें भी पहुंच जाएगा का क्या मतलब, जब बुलाया तो जाएंगे नहीं? अब एक भी शादी में भी गल्ला कर दिए। नहीं यार मैं थक गया हूँ काम से। तो किन्नी मम्मी ऐसी कितनी शादियों में जाते हैं? कितनी शादी नहीं कह रही मैं, शादी घूमना फिरना ये सब। तेरी बात का कोई लॉजिक होता है? आपकी बात का लॉजिक है? तेरी बात का कोई लॉजिक होता है? शादी नहीं कह रही, घूमना फिरना, अभी कह रही किसी भी शादी में चले जाते हो। खाली फजूल की बात तो थोड़ी करनी होती है। ज्यादा हीरो ना बनो। हीरो हूँ मैं, बनता नहीं, पैदा हीरो होया था मैं। बस ये तो डायलॉग है, पैदा ही हुआ। हीरो नहीं होया सी मम्मी पैदा? ये हीरो या ये हीरो। जब मैं जानता सी बचपन से तोड़े नाल कमेटी करो टीके टूके लगवान, वो तो आगे दसो तुसी। हां टीके लगवान जांदा से सारे कहंदे सी गोल मोल, सारे बुलांदे सन मैं गोल मोल। अरे गोबला था ये, अरे कहते ये छोटा छुबी छोटे छुबे, ये छोटा छुबी है ऐसा छुबम, ऐसा था छोटा छुबी। ओ चिराग तो बुलाएगा छुबी भी रे। तो गाइस चूरमा खा लिया हमने, जिसको नहीं पता चूरमा क्या होता है, हरियाणा हो गया ना कभी पता चल जाएगा आपको चूरमा किसे कहते हैं। आओ हमारे घर में आपको चूरमा खिलाएंगे। अब मैं जरा चलता हूँ थोड़ा बाहर, सुबह से लेकर शाम तक जिम में ही रहता हूँ एक कमरे में बंद, अब थोड़ा मन करता है बाहर घूमने का। तो गाइस मैं आ चुका हूँ घर, और यहाँ कोई संगीन मामला चल रहा है, इतनी शांति हो रखी है। शांति? हमने इतना रोला पा रखा क्यों? शादी है तेरे वैसे ही बातें कर रहे, अपनी बातें सुना रही। क्या पहले की कितनी मार पड़ी, पढ़ाई की बातें सुना रही थी। पढ़ाई करी है तूने? बहुत मुश्किल से मैं पास है? वो तो तूने होना ही था इतनी मुश्किल से पास। तो जितनी ये समझदार है ना भाई, तुम्हें भी दिख ही जाता होगा थोड़ा व्लॉग में, है ना। 5,000 सब्सक्राइबर करने हैं फटाफट, अब 4,000 होने वाले हैं, जल्दी से जल्दी 5,000 करने हैं, फिर कटेगा केक, केक कटेगा सब में बटेगा। नवे घर में जाने से पहले पहले मैं चाहता हूँ 5,000 सब्सक्राइबर हो जाए मेरे, यही लास्ट एक केक जो है ना काट के चले जाएंगे पुराने। ये दीवारें तुम याद करोगे, जो नया घर बन रहा है ना उसमें कुछ अलग डिजाइन सोचा है मैंने हर चीज का, तो अपडेट आने वाला है स्वैगी व्लॉग्स में, पूरा घर ही बदल देंगे हम। तो 5,000 सब्सक्राइबर करा दो यार यहाँ तक के सफर में ही, फिर मैं यहाँ केक काट के जाऊंगा। पर मेरे को याद बढ़िया आएगी इस घर की, व्लॉग में सारा दिखेगा ना कि पहले हमारा घर ऐसे था। यहाँ पे याद, ये जो कमरा है ना ये कुछ भी नहीं था, ये वॉलपेपर, ये टीवी, कुछ भी नहीं, पंखा भी नहीं है। मैं नया नया जब आया था यहाँ पे मैं बिना पंखे के सोता था यहाँ पे, डैडी और मेरे को यहीं पे बैठे होते थे। एक मेरा दीवान बेड होता था जिसपे मम्मी सोती है अब, उस पर मैं सोता था यहाँ पे अकेला, जून जुलाई की गर्मी में बिना पंखे के नीचे मैं यहाँ सोया हूँ बिना पंखे से। और आज भाई ने एसी भी लगवा रखा है और पंखा लगा रखा है एसी, है ना। अच्छा अच्छा तो जब ये चलता है तो मेरे को ही देता होगा हवा खाली, है ना, तेरे को तो देता ही नहीं होगा मेरा सर, है ना। तेरी मम्मी थोड़ी सी पागल नहीं है बेटे, है ना, है ना। तू ऐसे कैसे देख रहा है, गुना पी लियो कहीं, पिलाऊं तुझे भांग? तो गाइस ये भांग भूंग पीना बुरी बात होती है, ये मत पिया करो, नशे नुशे ना किया करो। और अपना जो ये व्लॉग अगर अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक कर देना, हमारी जो बातें है ना ये पारिवारिक बातें, मतलब तुम भी हमारा परिवार हो, सुना करो बैठ के ऐसे। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना स्वैगी व्लॉग्स, और डेली व्लॉगिंग होगी अब।